नादिराबाद में मकान में आग लग गई। खातून अपने दो बेटों समेत झुलस कर जान भाग। मरने वालों में 30 साल साइमा, 10 साल हसन और 8 साल हुसैन शामिल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, इमदादी कार्रवाइयां जारी। बड़े मियां की खदमत का बड़ा सिला, कल नवाज शरीफ की रिहाई, आज मुशक्कती रिहा। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का मुशक्कती सवार खान कत्ल केस में 10 साल से कैद था। जमानत मंजूर हुई मगर 1 लाख के मुचलके जमा ना करा सका। शरीफ फैमिली ने खदमत के एवज 1 लाख के मुचलके अदा करके रिहाई दिलवाई। पेफ पार्टनर स्कूल्स का एहतजाज और धरना काम कर गया। पेफ स्कूल्स को ज्यादा से ज्यादा पेड इनरोलमेंट के मुताबिक दाखिले करने की इजाजत मिल गई। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने तालीमी दाखिला पॉलिसी में तरमीम कर दी। भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश की इजाजत नहीं देंगे। इंडिया फिल्म इंडस्ट्री से पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान पर बमबारी करता है। ताजर बिरादरी के साथ हूं चेयरमैन पैमरा। मिर्जा सलीम बेग की हॉलीवुड आमद, ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगु। ताजरों का मुकम्मल इजहार यकजहती, गैर कानूनी सेटेलाइट डिवाइसेस को जला दिया गया। और डाकुओं के बाद नौसरबाज खातीन गिरोह भी सरगर्म। रंग महल थाना की हदूद में ज्वेलरी की दुकान पर वारदात। नौसरबाज खातीन 2 लाख मालियत की चांदी चुरा कर रफू चक्कर। वारदात के सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों रुपए मालिक की मनशियात बरामद। मुलजिमा इफत बतूल उर्फ गोरी रंगे हाथों गिरफ्तार। कला गुजर सिंह के इलाके में जनरल स्टोर पर चोरी की वारदात। चोर 15 लाख रुपए और दीगर सामान लूट कर फरार। वापरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। खूबसूरत मार्च पास्ट का मुजाहिरा। क्रिकेटर अदनान अकमल की भी शिरकत। लाहौर रीजन की टीम अपने टाइटल का दिफा करेगी। स्पोर्ट्स गाला में 22 टीमें हिस्सा लेंगी।